हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर ट्राएंगल लेट जेड नॉट बी दर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल प्रूव दैट वन स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री जेड नॉट स्क्र तो हमें यहां से प्रूव करके दिखाना है ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा हम जानते हैं कि इफ इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड वन कॉमा जेड टू एंड जेड थ्री आर द वर्टिस आर द वर्टिस ऑफ एंड ऑफ एंड इक्वीलेट्रल ट्राइंगल इक्विलेट्रल इक्विलेट्रल ट्राइंगल देन देन इधर से देखो एक चीज हम जानते हैं कि जेड वन स्क्वायर प्लस में जेड टू स्क्वायर प्लस में जेड थ्री स्क्वायर ठीक है इसका जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल आता है यहां से हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू इक्वल आता है जेड वन जेड टू प्लस में जेड टू जेड थ्री प्लस में जेड वन जेड थ्री ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ठीक बात है तो ये बन गया सबसे पहले तो अब देखो ध्यान से अगर ये हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं हमें पता है कि इसका जो सेंट्रोइड होता है ना सॉरी जो सर्कम सेंटर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो ही होता है तो बोल सकते हैं फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड बोथ आर सेम पॉइंट्स बोथ आर बोथ आर सेम पॉइंट ठीक है तो एक ही पॉइंट पे होंगे ये दोनों तो अगर हम हमारा एक इक्ुलेटल ट्राइंगल बना रहे हैं और मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो गया जेड वन कॉम्प्लेक्स नंबर ये जेड टू और ये जेड थ्री ठीक है और इसका जो हमारे पास सेंट्रोइड है वो हम क्या बोल रहे हैं जेड जीरो बोल रहे हैं जो हमारा सरकम सेंटर भी इधर तो ये दोनों सेम ही होंगे तो हम जेड जीरो कैसे लिख सकते हैं या जेड नॉट कैसे लिख सकते हैं सेंट्रोइड लिखने के लिए तीनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका सम कर देते हैं जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री और अपॉन में थ्री कर देते हैं ठीक है यह हमारा सेंट्रइड हो जाता है तो अब एक बात देखो यहां से अगर ऐसा कर रहे हैं हम तो थ्री थ्री को उस तरफ ले जाते हैं थ्री जेड नॉट का वैल्यू कितना आएगा Z1 वन प्लस जेड प्लस में Z3 दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो नाइन जेड नॉट स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा यहां पे स्क्वायर किया तो Z1 वन स्क्वायर प्लस में Z2 टू स्क्वायर प्लस में Z3 थ्री स्क्वायर प्लस में टू टाइम्स ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस में जेड

जेड थ्री स्क्वायर बनेगा इधर दैट इज इक्वल टू नाइन जेड नॉट स्क्वायर थ्री डिवाइड कर देगा नाइन को थ्री टाइम्स यानी इधर से हमें क्या रिजल्ट मिला जेड वन स्क्वायर प्लस में जेड टू स्क्वायर प्लस में जेड थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया थ्री इज नॉट स्क्वायर और हमें यही यहां पे प्रूव करके दिखाना था तो हम बोल सकते हैं इट इज प्रूव्ड तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर दिया और यही हमारे पास में क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए तो ये हमारा फाइनल आंसर है आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन बेस्ट ऑफ लक